हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम एंड वेलकम बैक टू परितांडी व्लॉग। सुबह सुबह का व्लॉग है ये, और सबसे पहले उठते ही ब्रश करें। ब्रश करने के बाद पानी गर्म करना है, पानी गर्म करने के बाद गर्म पानी पीना है, और उसके बाद चाय पीते हैं। तो सुबह का मेरा रूटीन कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि उठते ही सबसे पहले, अभी मैं पानी गर्म किया हूँ जग में और उसमें कैटली में, और अभी मैं जग में गर्म पानी मिक्स करूँगी, ठंडा गर्म, और फिर गर्म पानी पियेंगे। उसके बाद मुझे करना है ब्रेकफास्ट की तैयारी। आयुष सिनू को उठाकर स्कूल भेजना है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो अभी फटाफट से कर लेते हैं काम। आज थोड़ी सी दौड़ भाग ज़्यादा होने वाली है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू छोले की सब्ज़ी। कुछ इस वजह से भी काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। क्या होता है ना कि नॉर्मल कुछ भी बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट अगर आलू छोले बना रहे हैं तो टाइम लग ही जाना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हो रहा है पानी गर्म। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, कमेंट करना, लेकिन ब्लॉग पहले पूरा देखना उसके बाद कमेंट करना कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। सो यहाँ पर मैं आई हूँ फ्रिज में से कुछ लेने के लिए, और जब मैं आई तो मैं भूल ही गई कि मुझे क्या लेना है, मैं क्या लेने के लिए आई थी। सो, अभी वही वापस जा रही हूँ, किचन में जाती हूँ, देखती हूँ क्या पता फिर मुझे याद आ जाए कि मैं क्या लेने आई थी। सो, यहाँ पे मैं लेने आई थी दूध का पतीला। दूध गर्म हो रहा है यहाँ पर, और अभी उठाना है मुझे आयुष को। आयुष पहले उठता है, सीनू बाद में उठता है, और यहाँ पर जो कपड़ा ढक रखा है कैसरोल के अंदर, मैंने जमाया था नाइट में दही, तो चेक करते हैं दही जमा कि नहीं जमा। और जम गया है हमारा दही बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है, तो इसको हम रख देते हैं अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए फ्रीज में, और जब हम छोले, आलू छोले की सब्ज़ी बनाएंगे तब हम इसको वापस निकालेंगे बाहर, लेकिन अभी फ़िलहाल फ्रीज में स्टोर कर देते हैं इसको। और उसके बाद फटाफट से बनाते हैं आयुष के लिए दूध। आयुष की डिमांड पर ही बन रहा है आज आलू छोले की सब्जी, और उसी के साथ ही खीर बनाऊंगी, लेकिन आयुष स्कूल जा चुका होगा तब तक, और खीर बनाऊंगी मैं पीछे। और अभी फ़िलहाल आयुष को देने वाली हूँ मैं आलू छोले की सब्जी के साथ लच्छा पराठा, लेकिन हमारे लिए मैं बनाने वाली हूँ लंच के लिए कसूरी मेथी डालकर हरी मिर्ची नहीं हल्दी पाउडर डाल के पूड़ी, तो वो भी आप ब्लॉग कंटिन्यू देखिएगा। और यहाँ पर आयुष के लिए दूध बनाना था, और मैंने गलती से ले लिया है सिनू का कप, जो कि दूध बनाने के बाद मुझे रियलाइज़ होगा कि कप मैंने गलती से सिनू का ले लिया है, जिसको मुझे वापस चेंज करना पड़ेगा। चीनी अभी फ़िलहाल निकाल रही हूँ, फीका दूध बच्चे पता नहीं क्यों पीते ही नहीं हैं, तो चीनी डालनी ही पड़ती है, हालांकि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, बट क्या करें। और यहाँ पर पन्नी लगा कर रखना पड़ता है कि चीनी में सिलन ना हो। कप के नीचे रख दिया है वाइप्स, क्योंकि दूध गिर ही गया था, कितना भी ट्राई कर लो थोड़ा सा तो मिस्टेक हो ही जाता है, और अभी मुझे पता लग रहा है दूध का कप, तो मैं फटाफट से दूध मिक्स करके जो मैंने पीडियाश्योर और चीनी डाला था, और अब मैं इस कप में शिफ्ट कर दूंगी। सो, आयुष अभी दूध पी के चला गया है फ्रेश होने के लिए, तब तक मैं यहाँ पर फैन मैंने कर दिया है बंद, कर्टन भी हटा देती हूँ ताकि सीनू की थोड़ी सी नींद खुल जाए, और सीनू को जो कंबल उड़ा रखी थी वो भी मैंने हटाकर फोल्ड कर दी है ताकि अब उसकी नींद खुल जाएगी, आराम से उठ जाएगा। तब तक मैं पहले पानी गर्म चढ़ा देती हूँ, और मौसम थोड़ा सा ठंडा है, यहाँ पर बारिश होती रहती है, इस वजह से अभी पहले रॉड लगा देती हूँ ताकि पानी गर्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में अपना वही डेली रूटीन वाला काम करने के लिए। सबसे पहले मैं डालूंगी कुकर में आलू, और आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाऊंगी, और पहले आलू बॉईल हो जाएंगे, उसके बाद छोले भी मैंने भिगो के रखे हैं। आलू और छोले को मैं आज अलग अलग बॉईल करने वाली हूँ, और पहले जो दूध के बर्तन थे, पीडियाश्योर का डिब्बा, वो ये सॉस भी कल का यहीं रखा हुआ है, तो सारा कुछ मैं हटा दूँगी। ये मैंने छोले पूरी रात पानी में भिगो रखे थे, जिसको मैं, जब आलू बॉईल हो जाएंगे, आलू को जब मैं निकाल लूँगी तो उसके बाद उसको मैं छोले भी चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए। और अभी मैं पहले छील देती हूँ लहसुन, और लहसुन हमारा छिल गया है, तो अब हम करते हैं फटाफट से, पहले मैं सोच रही हूँ आटा लगाऊँ या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए आलू छोले तो अभी रेडी हुए ही नहीं है, तो पहले मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है लच्छा पराठा, तो नॉर्मल आटा ही लगा रही हूँ अभी फ़िलहाल तो, और हमारे लिए फिर मैं आटा लगाऊंगी अलग से।
लाइफ में भागदौड़ कुछ इस तरीके की हो गई है कि सुबह उठो बच्चों के टिफिन की टेंशन, दोपहर में बच्चों के आते ही लंच की टेंशन और नाइट में डिनर की टेंशन। हर लेडीज़ के दिमाग में यही रहता है कि सब्जी क्या बनाएं, कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी कभी घर वाले डिमांड कर देते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है, और कभी कभी तो इतना हो जाता है कि सब्जी लेने जाते हैं और वहाँ पर इतनी सारी सब्जियाँ होती है, बट मन करता है कि नहीं भिंडी मुझे पसंद नहीं है, गोभी अच्छी नहीं लगती, अभी कीड़े भी गोभी में आ रहे हैं तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर घूम फिर के सारी सब्जियाँ देखने के बाद फाइनल ये होता है कि हम आलू प्याज मिर्ची टमाटर लेके आ जाते हैं, और जब घर आते हैं तो लगता है कि सब्जी लेने गए, कुछ तो लाए ही नहीं हम सब्जी, तो कुछ तो वही हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने सोचा चलो आलू छोले बनाते हैं, आयुष का मन है। कभी कभी अगर हम आलू की सब्जी बनाएं, राजस्थानी गट्टे की सब्जी बनाएं, दाल बाटी चूरमा बनाएं तो थोड़ा सा नया हो जाता है। हरी सब्जियाँ भी हर बार अच्छी नहीं लगती है, और अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही पापड़ की सब्जी भी बनाई थी जो कि बहुत अच्छी लगी थी। बहुत टाइम से हमने पापड़ की सब्जी नहीं खाई थी क्योंकि शादी से पहले मम्मी बनाती थी, गांव में जब रहते थे तो पापड़ की सब्जी, उसके बाद तो हम खाना ही भूल गए। जैसे हरी सब्जियां खाने में, बाहर की उल्टी फुल्टी चीज़ें खाने में इतना बिजी हो गए कि हम पापड़ भूल ही गए। तो इस बार मैंने पापड़ की सब्जी बनाई थी, और यहाँ पर बीच में मुझे प्याज बहुत रुला रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं अभी। और मैं जब भी प्याज काटती हूँ ऐसे लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कितना रो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्याज मेरी आँखों में चढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं प्याज मोटा मोटा इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है ग्रेवी रेडी, और मैं इन सबको पहले छौंक लगाकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद पकाने के बाद अच्छी तरह से फिर मिक्सर में पीस दूँगी। और यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ पतीले में, और तेल गर्म होगा तब तक मैं हरी मिर्ची और लहसुन ये सब कर दूँगी इसमें चॉप, और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जी का छौंक। छोले की सब्जी की रेसिपी मैं ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पहले ही ब्लॉग कोई डाल चुकी हूँ, एक दो ब्लॉग आ चुके हैं उसके, तो आप अगर रेसिपी चाहते हो तो वही पुराना ब्लॉग देख लीजिएगा। यहाँ पर तो मैं बस थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन, और आज मुझे बहुत टाइम लग गया था इतना सब काम करने के लिए। और चलो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं कि बच्चे खुद से रेडी हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा अगर बच्चे एक्स्ट्रा डिमांड भी करते हैं तो हम उनकी पूरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह टिफ़िन भी बनाओ, उसके साथ बच्चों को उठाना, बच्चों को रेडी करना, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। आयुष अभी बहुत समझदार हो गया है, अपने शूज खुद से पॉलिश कर लेता है, अपना बैग खुद रेडी कर लेता है, उसी के साथ ही टिफ़िन दूंगी तो वो अपनी बोतल खुद भर लेता है पानी की, और उसके बाद खुद ही ब्रश करता है, खुद ही नहाता है, खुद ही रेडी होता है। तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आयुष को तो उठाना होता है, उसको दूध पिलाना होता है, उसके बाद आयुष बेचारा अपना काम सब खुद कर लेता है। सीनू को अभी थोड़ा सा नहलाना पड़ता है मुझे, बाकी ब्रश व्रश सीनू भी खुद कर लेता है, और सीनू सॉक्स शूज भी पहन लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना सीनू सॉक्स उल्टे पहन लेता है, उल्टे मीन्स सॉक्स सीधे होते हैं बस डायरेक्शन उसकी सही नहीं होती है, तो इस वजह से। चलिए बातों ही बातों में पता चला कि नमक तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया है तो डिब्बे में से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने निकाला है नमक, उधर उसके साथ ही मैंने कुकर में डाले हैं छोले, थोड़ा सा नमक थोड़ी सी हल्दी और चढ़ा दिया है गैस पे, दो तीन सीटी आएगी तब तक वो चलता रहेगा, और छोले हमारे बॉईल होंगे तब तक हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं प्याज टमाटर भून के अच्छी तरह से तैयार, ताकि हम उसकी ग्रेवी तैयार कर सके। तो यहाँ पर ऑयल गर्म होने पर मैंने डाला है जीरा प्याज हरी मिर्च लहसुन, तो इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर, थोड़ा सा मसाला, यही नमक मिर्ची हल्दी धनिया, और उसके बाद इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले टमाटर को अच्छी तरह से धो लूँगी, उनको भी कट कर लूँगी। सब्जी मेरी अभी तक बनी नहीं है, लेकिन मैं पहले सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अभी छोले बॉईल हुए हैं, प्रेशर निकल रहा है कुकर का, तब तक मैं बना लेती हूँ फटाफट से लच्छा पराठा। और यहाँ पर बच्चों के लिए मैं पैक कर रही हूँ पराठे, सीनू भी उठ गया है, रेडी हो रहा है, तब तक हमारे पराठे बनकर हो जाएंगे तैयार। और उसी के साथ ही जो मैंने प्याज टमाटर वाला जो मसाला रेडी किया था उसको मैंने बाहर वाले रूम में रख दिया है फैन के नीचे, वो हो रहा है थोड़ा सा ठंडा, और पूरा ठंडा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है, बट वो ठंडा हो रहा है। तब तक मैंने सोचा मैं चलो पराठे बनाकर एटलीस्ट ये काम तो फ्री कर ही दूं, और फिर तब तक मेरे छोले भी बॉईल वो हो चुके हैं तो प्रेशर निकल ही जाएगा, तो फिर छोले सारा कुछ ग्रेवी फिर रेडी हो जाएगी।
और लच्छा पराठे। अभी बच्चों को थोड़ा नया नया शौक चढ़ा है, कुछ टाइम खाएंगे फिर वही बोर हो जाएंगे तो फिर ये भी छोड़ देंगे, और जब तक खा रहे हैं तब तक इनको खिला देते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी मैं 2-3 न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, और काफ़ी दिन से तो ब्लॉग आ ही नहीं रहे थे, अब ब्लॉग लेके आऊँगी। कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, तो आप लोग वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने स्टैंड की सफाई कर दी है, पराठे मेरे बन चुके हैं, ज़्यादा कुछ काम अभी लग नहीं रहा लोड मुझे, क्योंकि बच्चे रेडी हो रहे हैं। अब मैं फटाफट से पहले पराठे पैक कर देती हूँ, और पराठे पैक करके मैं रख दूंगी एक साइड में, और उसके बाद मैं करूंगी ग्रेवी रेडी। और एक बार क्या हुआ था, मैं ऐसे ही सब्जी बना रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने गरम था मसाला और प्याज टमाटर बहुत गरम थे, मैंने पैन से सीधा पकाकर डायरेक्ट मिक्सी के जार में डाला और मिक्सी चला दी। उससे ये हुआ कि भाप की वजह से गर्म था, उस वजह से मिक्सी के जार के साइड से पूरा उछल गया था, जो गैस पे पूरा स्टैंड पे पूरी टाइल्स पे सारा किचन में गिर गया था, फैल गया था, और उसी के साथ ही मेरे मुंह पर भी गरम गरम छींटे आ गए थे, जो कि बहुत रिस्की है और कभी कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसीलिए फैन के नीचे ठंडा किया है, अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इस वजह से मैं इसके ऊपर कपड़े से अच्छी तरह से बांधूंगी, क्योंकि ये गर्म है। अगर ये ठंडा होता तो शायद मैं इस पे कपड़ा नहीं रखती, नॉर्मल ही मिक्सर चला लेती, बट गर्म में अब एक बार हो गया है तो अब मुझे रिस्क लेना ही नहीं है। और यहाँ पर मैं जो मैंने एक और मसाला छौंक लगाकर फिर से तैयार किया था, और उसी के अंदर मैंने डाली है ये ग्रेवी, और इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी छोले। फिर हम बच्चों को भेज दूंगी फटाफट से टिफिन देके स्कूल, उसके बाद मैं लग जाऊंगी मेरे पराठे पूड़ी बनाने की तैयारी में, और फटाफट से पूड़ी के लिए भी मैं आटा लगा दूंगी। बच्चों के टिफिन यहाँ पर रेडी हो गए हैं। सिनू को हमेशा फ्रूट दे के भेजना पड़ता है, और आयुष फ्रूट लेके नहीं जाता है, उसको ना तो शौक है इतना और ना वो लेके जाता है, वो घर पर ही खा लेता है, तो ऐसा है नहीं कि उसको फ्रूट की कमी हो रही है। तो यहाँ पर सिनू के लिए आज मैं भेज रही हूँ फ्रूट में अनार, और टिफिन दूसरा टिफिन दे दिया है मैंने छोले पराठे वाला। और यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, आटे में डालूंगी हल्दी कसूरी मेथी और उसका लगा दूंगी आटा, उसकी बनाएंगे हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और उसी के साथ ही फ्रेंड्स, ये वाले ब्लॉग को तो हम यहीं पर एंड करते हैं। मेरा मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे जितने भी नए नए वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। खाना ब्रेकफास्ट होने के बाद दिन में थोड़ी देर सो गई थी, फिर मैं आई थी, मेरी फ्रेंड पूनम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए खाना लेकर यहाँ पर चाय पी रही हूँ। बच्चे सुस्त से पड़े हैं, क्योंकि पूनम घूमने के लिए गई हुई थी ट्रिप पे और वापस आकर पड़ गई थी बीमार। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल